हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियों के आने के साथ ही हमारे गार्डन में सुंदर से पौधे फूल खिला हुआ है। ये है टेकोमा का पौधा, जिसे टेकोमा स्टैंड्स भी कहते हैं और इसे ट्रम्पेट वाइन भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो ट्रम्पेट के शेप के होते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, पूरे पौधे में फूल ही फूल लगे हुए हैं। इनके जो फूल होते हैं वो गुच्छों में खिलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि फूलों के गुच्छे, और जो फूल आते हैं वो ब्रांचेस के टॉप पे आते हैं। तो जो ब्रांच का टॉप पोर्शन होता है, फूल उसी में लगते हैं, जैसे कि ये ट्रम्पेट वाइन की एक बड़ी खूबी ये है कि ट्रम्पेट वाइन या टेकोमा, आप समझ लीजिए कि गर्मियों से या बसंत ऋतु से जो खिलना शुरू करेगा वो करीब करीब विंटर्स आने तक खिलता रहेगा। तो फरवरी या मार्च से इसमें फूल आने शुरू हो जाते हैं और ये करीब करीब दिसंबर या जनवरी तक के खिलेगा, और एक दो महीने बस इसमें फूल नहीं आएंगे, उसके बाद सालों भर इसमें फूल लगे रहते हैं। बड़ा ही खूबसूरत पौधा है और अपने गार्डन में लगाने के लिए बहुत अच्छा है। इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस पौधे को बहुत केयर की ज़रूरत नहीं होती है, नॉर्मल गार्डन सॉइल में चल जाता है। और गार्डन सॉइल में आप कोई भी नॉर्मल गार्डन सॉइल ले लीजिए, उसमें कंपोस्ट डाल दीजिए, और अगर आपने ये वैरायटी लगा रखी है तो आप ये देखेंगे कि इसमें फूल बड़े ही खूबसूरत तरीके से आते हैं। और ऐसे जो गुच्छे हैं फूल के वो करीब करीब एक हफ्ते तक रहेंगे। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे नए फूल आते जाएंगे वैसे पुराने फूल गिरते जाते हैं। तो इसके टॉप पोर्शन पर फूल आते हैं और जैसे जैसे पुराने फूल गिरते जाते हैं नए फूल यहाँ पर आते जाएंगे। उसी तरीके से इसमें होगा। देखिए, फूल आना जो शुरू करता है वो पहले नीचे से आना शुरू करता है, उसके बाद ये खिलेगा, फिर ऊपर खिलेगा। तो बहुत ही खूबसूरत पौधा है और सभी को अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। इसकी दो वैरायटीज होती हैं, एक जो पेड़ नुमा लंबी वैरायटी है और दूसरा ये ड्वार्फ वैरायटी है। ड्वार्फ वैरायटी जो है मैं सबको सजेस्ट करूँगा कि आप लगाएं, क्योंकि एक तो ये कम स्पेस घेरेगा और ये ज़्यादा ऊंचा नहीं होगा। कई कलर्स आते हैं इसमें, ये तो येलो कलर है जो बड़ा ही पॉपुलर है, लेकिन ऑरेंज भी आता है और रेड भी आता है, पिंक भी आता है। तो अगर आपको मिल जाए तो आप उसको लगाएं, बहुत ही खूबसूरत होता है और क्या शानदार फ्लावरिंग करता है, ये तो आप देख ही रहे हैं। तो ये है टेकोमा और इसको ज़्यादा कुछ खाद की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फ्लावर्स चाहिए तो आप बस इसमें रेगुलर कंपोस्ट डालते रहिए, और अगर कंपोस्ट नहीं है तो आप इसमें कभी कभार DAP डाल सकते हैं, 8-10 दाने हर 15-20 दिन पे आप डाल दिया करें और रेगुलर वाटरिंग करें। इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो गर्मियों के समय में आप रोज़ एक बार हल्के से पानी डाल दें, वो भी काफ़ी है। या अगर गर्मियाँ नहीं चल रही हैं, बारिश आ गई है, तो आप फिर उससे 2 दिन में एक बार भी पानी दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा टेकोमा का पौधा और आशा करता हूँ कि आप भी लगाएंगे अपनी बालकनीज में, और लगाने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, बताइए कि ये कैसा है।